तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की मेंबर असम्बली उज़्मा कारदार ने पेश की। मतन के मुताबिक ये ऐवान एक मखसूस सियासी पार्टी की अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश की पुरजोर मजम्मत करता है। तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद एहतजाज से मुल्क भर में तोड़ फोड़ की और जलाओ घिराव किया। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं लाहौर से। राना कामरान सफदर हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ हैं, बताइएगा क्या तफसीलात हैं राना कामरान। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली जमा करारदार ने तहरीक इंसाफ के पाबंदी पर करारदार पंजाब असम्बली में जमा कराई है, जिसमें यह कहा गया है कि एक मखसूस सियासी जमात जो है वो मुल्क में मुसलसल को शिद्दत एहतजाज कर रही है और मुल्क में घराव जराव के वाकयात में मुनवर है। उन्होंने कहा कि पीपी ने पुलिस एहलकारों को शदीद जख्मी किया और केपीके जब जिला ने दो बार पाक पर लश्कर कशी की है, चढ़ाई की और उन्होंने सरकारी मुलाजमीन असला जो है वो इस्तेमाल किया, जिसने आपको गैस के अमल से पीएस के अमल से और सरकारी मशीनी जो है वो भी इस्तेमाल में लाई गई, जिससे इंतजार बुलाने वाले टोले ने एक गाड़ी से रोते हुए रेंजर के जवान भी शहीद किए और पुलिस कांस्टेबल जो है उनको भी वो भी जहां बात किए। इस सियासी जमात ने आयन और खून के एक गजिया उड़ाई और 9 मई को एक दफा दोबारा उन्होंने दोहराया है, जिसमें यह भी कहा करारदाद ने कि इस सियासी जमात ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं तो उनकी भी खिलाफवर्जी की है और उनको भी हवा में उड़ा दिया है। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुल्क को रोजाना 190 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाने में भी ये सियासी जमात मुलव्वस है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज है वो भी कराची एक पंजाब असम्बली का ये बयान जो है भारतीय हुकूमत से और जोर मुतालबा करता है कि तरीके साफ और फिरफोर पाबंदी लगाई जाए ताकि मुल्क में आइंदा ये इंतशारी टोला जो है वो लोगों के जानों माल से ना खेल सके। बहुत शुक्रिया राणा कामरान सफदर।